बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, आज हमने पढ़ना है यूनिट वन का लेक्चर नंबर 8, फिजिकल क्वांटिटी। हमने पहले पढ़ लिया था यानी सभी मिकदारें। आज हमने पढ़नी है फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप। फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप, फिजिकल क्वांटिटीज की बच्चों दो टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स है भाई? फिजिकल क्वांटिटीज की हमारे पास जो ब्रांचेज है या शाखें हैं वो कितनी है? दो। एक है बेस क्वांटिटीज। कौन सी भाई? बेस क्वांटिटीज, बुनियादी मिकदार है। कौन सी मिकदार है? बुनियादी मिकदार है। दूसरी है ड्राइव्ड क्वांटिटीज, माकूज मिकदार है। ड्राइव्ड क्वांटिटीज, माकूज मिकदार है। फिजिकल क्वांटिटीज तब भी मिकदार है, और उसकी जो दो टाइप्स हैं बेस क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ये एनुअल पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से पिछले हमने जितने भी तरीके डेफिनेशंस पढ़े हैं या छोटे फिजिक्स की पार्ट्स पढ़ी है या नेचुरल फिलॉसफी पढ़ी है, उन सब से ज्यादा अहम। बहुत सारी चीजें भी अहम है, लेकिन ये काफी दफा एग्जाम्स के अंदर आ चुकी हैं। अब बेस क्वांटिटीज बुनियादी मिकदार है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज माकूज मिकदार है। तो अब हम पढ़ते हैं बेस क्वांटिटीज। अब बेस क्वांटिटीज कौन सी है बच्चों? बुनियादी मिकदार है, ये बुनियाद है, बेस। अब ये क्या करती है? ऑन द बेसिस, इनकी बुनियाद पर, ऑन द बेसिस इनकी बुनियाद पर क्या होता है? अदर क्वांटिटीज, दूसरी मिकदारें। क्या भाई? अदर क्वांटिटीज एक्सप्रेस, जिनकी बुनियाद पर दूसरी मिकदारों को बयान किया जाता है वो कहलाती हैं बुनियादी मिकदारें। अदर क्वांटिटीज का मतलब दूसरी मिकदारें, एक्सप्रेस्ड का मतलब बयान किया जाता है ऑन द बेसिस, जिनकी बुनियाद पर। बेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी बुनियाद पर दूसरी मिकदारों को बयान किया जाता है। अब ये कौन सी क्वांटिटीज हैं भाई? कौन सी है? ये है नंबर ऑफ बेस क्वांटिटीज। ये एमसीक्यू के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ बेस क्वांटिटीज सबसे पहले आपको बताना चाहिए भाई, बुनियादी मिकदारों की तादाद क्या है? नंबर ऑफ बेस क्वांटिटी, बुनियादी मिकदारों की तादाद, ये तादाद में सात होगी। नंबर ऑफ बेस क्वांटिटीज, इनकी तादाद कितनी है? इनकी तादाद है ओनली 7। ये एमसीक्यू के लिहाज से इंतहाई लाजमी है। बेस क्वांटिटीज की तादाद कितनी होती है? 7। अब वो है कौन कौन सी? नंबर वन लेंथ। नंबर वन क्या है भाई? लेंथ यानी के लंबाई। नंबर टू मैस। नंबर थ्री इलेक्ट्रिक करंट। क्या भाई? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बाद हमारे पास है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी के रोशनी की शिद्दत। रोशनी की शिद्दत। उसके बाद टाइम यानी के वक्त। उसके बाद टेम्परेचर। और लास्ट में है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मादे की मिकदार। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी के मादे की मिकदार। पहले पहले नंबर वन हमारे पास क्या हो गई? लेंथ। नंबर टू हमारे पास मास। नंबर थ्री इलेक्ट्रिक करंट। नंबर फोर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नंबर फाइव टाइम। नंबर सिक्स टेम्परेचर। नंबर 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं। उसके बाद हमने पढ़ना है ड्राइव्ड क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटीज भाई? ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ये अपने नाम से बता रही। कौन सी क्वांटिटीज भाई? ड्राइव्ड माकूज मिकदार, यानी ये किसी चीज से आक्स है। ड्राइव्ड क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज है भाई? माकूज मिकदार। कौन सी मिकदार है? अब किस चीज से माकूज है? ये है बेस क्वांटिटीज। ये क्वांटिटीज डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज, ऐसी मिकदारें जो बुनियादी मिकदारों से आक्स वो कहलाती हैं बेस
क्वांटिटी। अब मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज हमारे पास बेस क्वांटिटीज, अब बेस क्वांटिटीज कितनी होती है, बेस क्वांटिटीज बराबर हैं, यानी इज इक्वल टू, अपने अपने अल्फाज में समझ लो हरूफ ताज, यानी आपने यूं समझना है ये जो बेस क्वांटिटीज है फिजिक्स की हरूफ ताजी, फिजिक्स की क्या है हरूफ ताजी है। अब जैसे हम हरूफ ताजी को आपस में कंबाइन करते हैं, इकट्ठे करते हैं, तो हमारे पास नया अल्फाज बन बन जाता है। फर्ज करते हैं ऐन लाम छोटी, अब ये ऐन लाम छोटी ये तीन अलग अलग हर्फ है, जब हम इनको इकट्ठे करेंगे तो हमारे पास नया लफ्ज बन जाएगा अली, नया लफ्ज क्या बन जाएगा अली, यानी हमारे पास अली एन लाम छोटी जैसे ड्राई डाई। अब बेस क्वांटिटीज हमारे पास कितनी है सात, यानी अलीफ से लेकर छोटी जे तक जैसे सारे हरूफ ताजी उर्दू के हैं, इसी तरह ये सात बेस क्वांटिटीज फिजिक्स की हरूफ ताजी है, आपने जो समझ। अब जैसे हमने इन तीनों को इकट्ठा किया तो हमारे पास अली आ गई, अब हम दो बेस क्वांटिटीज को इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास, अब बेस क्वांटिटीज लेंथ इनटू लेंथ, अब ये हमारे पास बन गया एल स्क्वायर, लेंथ इनटू लेंथ, जब हमने लंबाई को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन गया एल स्क्वायर, क्या बन गया एल स्क्वायर। अब एल स्क्वायर जो क्वांटिटी है उसको हम बोलते हैं ए, उसको हम क्या बोलते हैं एरिया। अब इससे यह जहर होता है एरिया जो ड्राइव्ड है वो लेंथ से। अब इसी तरह अगर हम नंबर दो देख एन लॉन्ग और मीन, अब इनको इकट्ठा करें तो ये हमारे पास इल्म बन जाता, ये हमारे पास क्या बन जाता है इल्म, यानी जब अब हमारे पास नहीं लगता, अब हम और अगर हम इसी लेंथ को आपस में तीन दफा मल्टीप्लाई करें लेंथ इंटू लेंथ, ये हमारे पास बन जाएगा एल क्यूब, ये हमारे पास क्या बन जाएगा एल क्यूब। तो एल क्यूब हमारे पास नई क्वांटिटी है वॉल्यूम, नई क्वांटिटी क्या है भाई वॉल्यूम। अब आपने समझना क्या है, ये जो एरिया है ये ड्राइव्ड क्वांटिटी, एरिया क्या है भाई ड्राइव्ड क्वांटिटी, और वॉल्यूम भी क्या है ड्राइव्ड क्वांटिटी, वॉल्यूम भी क्या है ड्राइव्ड क्वांटिटी। इसी तरह ड्राइव क्वांटिटी की हम एक और मिसाल देखते हैं स्पीड, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। अब टाइम हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, टाइम हमारे पास बेस क्वांटिटी, टाइम हमारे पास क्या है बेस क्वांटिटी है। अब डिस्टेंस क्या है फासला, फासला भी दर हकीकत क्या है लेंथ, फासला भी दर हकीकत क्या है लेंथ, यानी के लंबाई। अब जब हम लंबाई यानी लेंथ, जब लेंथ बेस क्वांटिटी है, जब लेंथ ओवर टाइम होगा तो हमारे पास जो नई क्वांटिटी आएगी वो क्या होगी स्पीड, यानी स्पीड भी हमारे पास कौन सी क्वांटिटी होगी ड्राइव्ड क्वांटिटी होगी, स्पीड भी हमारे पास कौन सी क्वांटिटी होगी बच्चों ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब बेस और ड्राइव्ड क्वांटिटीज को आपने यूं समझना है, बेस क्वांटिटीज फिजिक्स के हरूफ ताजी है, जैसे उर्दू में या इंग्लिश में अल्फाबेट्स को इकट्ठा करके हमारे पास नए वर्ड्स बनते हैं, इसी तरह इन सात बेस क्वांटिटीज को कंबाइन करने से, इनको ज़र्ब और तकसीम करने से हमारे पास जो नई क्वांटिटीज हासिल होती हैं वो होती है ड्राइव्ड क्वांटिटी। ये एनुअल पेपर के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंतहाई लाजमी है, दोबारा बच्चों सुन लें, बेस क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज ये हमारे पास किस चीज की दो टाइप है फिजिकल क्वांटिटीज की। अब बेस क्वांटिटीज की बुनियाद है, ये बुनियाद फराहम करती है जिसकी वजह से हम दूसरी मिकदारों को बयान करते हैं, और वो तादाद में कितनी है सात है, वो तादाद में बच्चों कितनी है सात, वो कौन कौन सी है भाई लेंथ लंबाई मास इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट रोशनी की शिद्दत टाइम यानी के वक्त टेम्परेचर टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मादे की मिकदार। अब ड्राइव क्वांटिटीज अपने नाम से बता रही है किस चीज से महफूज है हक से, ड्राइव फ्रॉम बेस क्वांटिटी, ये बुनियादी मिकदारों से क्या होती है हक्स होती है। ड्राइव का मतलब क्या होता है भाई हक्स होना, अब किस चीज से हक्स होती है
बुनियादी मिकदारों से। तो मैंने आपको समझा दिया है, अब हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज की जो एग्जांपल्स हैं, जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज की मिसालें हैं, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हमने इनके आगे एटसेट्रा नहीं लिखा, बेस क्वांटिटीज के आगे हमने एटसेट्रा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इनकी तादाद फिक्स है 7, लेकिन हमने एरिया वॉल्यूम स्पीड के आगे एटसेट्रा लिख दिया, यानी इसका मतलब है ड्राइव्ड क्वांटिटीज की कोई तादाद फिक्स नहीं है। जब हम दो या दो से ज्यादा बेस क्वांटिटीज को बुनियादी मिकदारों को इकट्ठा करते जाएंगे तो हमारे पास जो नई क्वांटिटी हासिल होगी वो होगी ड्राइव्ड क्वांटिटी। उसके बाद हमने पढ़ना है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। क्या पढ़ना है भाई? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट अपने नाम से बता रहा है भाई, यूनिट्स का बैनुल अक्वामी निजाम, यानी यूनिट का ऐसा निजाम जिसको पूरी दुनिया तस्लीम करती है, जिसको क्या भाई पूरी दुनिया तस्लीम करती है। अब मिसाल के तौर पर हमारे भारत के साथ इक्तलाफात हैं, मिसाल के तौर पर हमारे भारत के साथ इक्तलाफात हैं, लेकिन जो यूनिट होंगे पाकिस्तान के अंदर भी वही होंगे और भारत के अंदर भी वही होंगे। अब एस आई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स का बैनुल अक्वामी निजाम। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स से पहले आपको पता होना चाहिए यूनिट क्या होगी, पहले आपको यूनिट का पता होना चाहिए। यूनिट एक स्टैंडर्ड है, यूनिट क्या है बच्चों? एक स्टैंडर्ड है, मियार है। क्या करता है यूनिट? इज अ स्टैंडर्ड, ये वो मिकदार मियार, स्टैंडर्ड यूनिट एक मियार है, वो क्या करता है मेजर, जो पेमेश करता है किस चीज की? फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। तो अब आपको यूनिट्स का भी ऐसा मियार, क्या भाई? ऐसा मियार जो पेमेश करता है किस चीज की भाई? फिजिकल क्वांटिटीज की, यानी के तबी मिकदारों की। अब तबी मिकदार में बेस क्वांटिटीज भी होंगी, ड्राइव्ड क्वांटिटीज भी होंगी। अब फॉर एग्जांपल क्या है भाई? यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, लंबाई का यूनिट हमारे पास क्या है भाई? मीटर। यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। अब हम आते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से मुराद यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, ये इसकी दो छोटी मैंने आपको एग्जांपल दी। अब हम जानते हैं इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम ऑफ, अब बिफोर 1960, बिफोर 1960 ऐसा समझ लो 1960 से पहले लोकल यूनिट्स हुआ करते। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं, अब हम देहातों में जब दूध लेते हैं तो बोलते हैं एक शेर हमें दूध दो, अगर हम किसी और जगह बोलते हैं एक किलो हमें दूध दो, और किसी शहरों के अंदर बोलते हैं लीटर, यानी शेर किलो लीटर, ये हो गए लोकल यूनिट्स, ये तकरीबन क्या हो गए? लोकल यूनिट। अब बिफोर 1960 से पहले इसी तरह यूनिट्स का कोई खास निजाम नहीं था। जैसे अब हमारे पास, अब हम क्या किया, अब 1960 के बाद क्या हुआ? 1960 के बाद ये हुआ भाई, एक जनरल कॉन्फ्रेंस लगी। 1960 में क्या हुआ भाई? 1960 में पेरिस के अंदर भी क्या हुआ? 1960 में पेरिस के अंदर 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस हुई। कौन सी जनरल कॉन्फ्रेंस? 11th जनरल कॉन्फ्रेंस 1960 में पेरिस के अंदर 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर दो चीजें डिस्कस की गई थी, एक था वेट, दूसरा था मजर, एक वेट यानी कि वजन, दूसरा था मजर।
ओजोन और उनकी पैमाइश। अब इस मीटिंग के अंदर क्या हुआ, एक निजाम एडॉप्ट किया गया। क्या किया गया भाई, एडॉप्ट सिस्टम। कैसा सिस्टम, वर्ल्ड वाइड सिस्टम। क्या एडॉप्ट किया गया, यानी के अख्तियार किया गया, एडॉप्ट कर दिया गया। क्या चीज भाई, वर्ल्ड वाइड सिस्टम, वर्ल्ड वाइड सिस्टम। 1960 में पेरिस के अंदर होने वाली 11वीं कॉन्फ्रेंस के अंदर एक हमागीर निजाम अपनाया गया मेजरमेंट्स के ऊपर। किस चीज के ऊपर भाई, मेजरमेंट्स के ऊपर। तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, अब बार दफा आ जाता है इनका रोल क्या है, इनका दुनिया के अंदर रोल क्या है। दे आर कॉमनली एक्सेप्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, इनको पूरी दुनिया के अंदर एक्सेप्ट किया जाता है, कॉमनली एक्सेप्टेबल, काबिले कबूल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर ये काबिले कबूल है ना, किस चीज के लिए, एक्सचेंज करने के लिए। किस चीज के लिए भाई, एक्सचेंज। किस चीज के एक्सचेंज के लिए, साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन। क्या भाई, साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन, साइंसी और फनी, टेक्निकल इंफॉर्मेशन, यानी साइंसी और फनी इतराज के तबादला ख्याल के लिए ये पूरी दुनिया के अंदर काबिले कबूल है। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का खुलासा ये है, पहले मैंने आपको बताया था यूनिट क्या होता है, यूनिट एक मियार है जो मुख्तलिफ तब मकदारों की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए, पहले एग्जाम्पल क्या थी भाई, यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या है भाई, मीटर, यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। दूसरी मैंने आपको एग्जाम्पल दी यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का यूनिट क्या है भाई, सेकंड। ये क्या थी दो एग्जाम्पल। उसके बाद मैंने आपको बताया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कब बना भाई, 1960 के अंदर पेरिस के अंदर 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस हुई दो चीजों के ऊपर, वेट्स एंड मेजर। उसमें उस कमेटी के अंदर, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर अख्तियार किया गया, क्या किया गया भाई, अख्तियार किया गया वर्ल्ड वाइड सिस्टम हिमागीर निजाम। हिमागीर निजाम किस चीज के ऊपर, पैमाइश के ऊपर। तो इस हिमागीर निजाम का जो पैमाइश के ऊपर है उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। बार दफा शॉर्ट पूछना जाता है भी एसआई यूनिट्स का क्या किरदार, ये एसआई यूनिट्स अपने नाम से बता रहे हैं ये बैन अल-अक़वामी यूनिट्स हैं जो क्या है, पूरी दुनिया के अंदर काबिले कबूल है। और बच्चों आज हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स, बेस क्वांटिटीज और फिजिकल क्वांटिटीज, और उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स से था बच्चों हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।